हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं न्यू ओवल्टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। जिन जिन कैंडिडेट्स ने डाक विभाग जीडीएस की भर्ती के लिए अप्लाई कर दिए हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर आप सभी के लिए बहुत जबरदस्त अपडेट है कि यहां पर काफी सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म जो है रिजेक्ट होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कई कैंडिडेट्स ने एक बहुत बड़ी गलती करी है जिनको वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से उनके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, आज जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर आपने अप्लाई भी नहीं किया है तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई जरूर कीजिएगा डाक विभाग की जीडीएस की इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। काफी सारे कमेंट्स हमारे पास आ रखे थे कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, हमने अप्लाई कर दिया है लेकिन रिजल्ट जो है कब आएगा, तो वो भी हम आपको फाइनली अपडेट देने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है गलतियां कर रहे हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है ताकि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट ना हो, ठीक है। और जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई नहीं किया है उन्हें भी वो गलती नहीं करनी है। तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए ओवरऑल आज के इस वीडियो में इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, जिसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप सभी से शिकायत रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं कि यहां पर डाक विभाग की तरफ से जो जीडीएस की वैकेंसी आई है उनमें आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए और आपका रिजल्ट कब जारी होगा और किन किन कैंडिडेट्स के जो फॉर्म है रिजेक्ट होने जा रहे हैं, तो कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं जहां पर हम आपको क्लियर कट जानकारी देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है tipsvirelbuzz.xyz और हमारी जो सेकंड नंबर की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है neovoltech.co.in। यहां पर आप जाकर के अपडेट ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई नहीं किया है तो आज ही अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, यहां पर आपको वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी दे रखी है इंडिया पोस्ट ऑफिस की जीडीएस की वैकेंसी के बारे में, जो कि इस साल 2022 की बंपर वैकेंसी है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो क्या हम महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो क्या हम पंजाब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वहां की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, साइकिलिंग आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि साइकिलिंग आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर राजस्थान के हैं तो राजस्थान ही अप्लाई करें। अगर आप अदर स्टेट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, जो भी वहां की लोकल लैंग्वेज है। जैसा कि राजस्थान में अप्लाई करना चाहते हैं तो मारवाड़ी का ज्ञान होना चाहिए, पंजाब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पंजाबी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, तब तो आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे कैंडिडेट्स का यह सवाल था, ठीक है। और वही दोस्तों, एक कैंडिडेट्स ने मुझसे सवाल पूछा था कमेंट करके कि सर हमारी एज जो है 40 के अबाव है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, मेरी एज जो है 42 है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। दोस्तों, यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में कि एज लिमिट जो है यहां पर 18 से 40 साल है, जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जनरल के लिए है, ठीक है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो अगर आप 42 साल के भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर दोस्तों एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है आयु सीमा में, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल बात है। आप अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो, ठीक है। एप्लीकेशन फीस का चार्ज जो है केवल जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए, बाकी अदर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। और यहां पर क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। वहीं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ये निकल कर आ रही है कि काफी सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में कंफ्यूजन है कि क्या यहां पर एग्जाम होगा। तो काफी सारे कैंडिडेट्स को ये लगता है कि इस वैकेंसी के लिए एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपकी गलतफहमी है, यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, केवल यहां पर मेरिट बनेगी, ठीक है। तो यहां पर मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे, जिसकी आप मार्क्स के अलावा यहां पर मेरिट पे भी डिपेंड करता है, यहां पर जो है कट ऑफ पे भी डिपेंड करता है कि यहां पर जो है हर एक सिटी में हर एक स्टेट्स में कितनी एप्लीकेशन आई है, कितनी यहां पर रिक्वायरमेंट है। अगर यहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कम एप्लीकेशन है, तो यहां पर काफी का सिलेक्शन भी हो सकता है, मेरिट भी काफी कम जा सकती है। तो यहां पर कोई भी डिसाइडेड नहीं है कि कितनी मेरिट जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन आपको अप्लाई करना है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है और आपको अप्लाई करके छोड़ देना है, क्योंकि यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है। वहीं दोस्तों, यहां पर काफी सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी जो मार्कशीट है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कैंडिडेट्स का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो काफी सारे कैंडिडेट जो है अप्लाई
करते समय उनको जो घर में नाम से बुलाया जाता है वही नाम जो है वो फॉर्म भरते समय टाइप करते हैं। तो यहाँ पर नाम का जो ऑप्शन आता है उसमें जो है गलती मत कीजिएगा, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वही नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी वही आपको डालनी है, आपके पिताजी का माताजी का नाम भी आपको वही डालना है जो 10वीं के क्लास के सर्टिफिकेट में है, ठीक है, तभी आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आपको एक स्पेलिंग तक की गलती नहीं करनी है, काफी सारे कैंडिडेट्स ने वो बहुत बड़ी गलतियां की हैं जिस वजह से हो सकता है उनका यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकती है। तो काफी सारे कैंडिडेट्स ने बहुत बड़ी गलती करी है, ये तो थी नंबर वन गलती। वहीं सेकंड नंबर की जो गलती है वो आपको बता दें कि काफी सारे कैंडिडेट्स ने जो है स्टेज वन स्टेज टू को कंप्लीट कर दिया है लेकिन स्टेज जो थर्ड है उसमें फाइनली आपको सबमिट करना होता है, अप्लाई करना तो होता है फॉर्म को। तो काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करा है, अप्लाई नहीं करा है। और दोस्तों आपको बता दें कि लास्ट डेट होने के कारण यहां पर टेक्निकल इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से उनका फॉर्म जो है सबमिट होने में उनको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहां पर सर्वर जो है लोडिंग होने में टाइम ले सकता है, यहां पर वेबसाइट भी हो सकता है कि खुले नहीं, और यहां पर टेक्निकल इश्यू हो सकता है, काफी बड़ा इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से काफी सारे कैंडिडेट्स को जो है लास्ट डेट में जो है काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सबमिट नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है, तो थर्ड स्टेज को कंप्लीट जरूर कीजिएगा, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये दो बड़ी गलतियां हैं जो काफी सारे कैंडिडेट्स कर रहे हैं जिन्हें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वहीं दोस्तों फाइनली आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दें कि रिजल्ट कब आएगा। काफी सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल है कि सर रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो यहां पर नोटिफिकेशन में साफ साफ यहां पर अनाउंसमेंट हो चुकी है कि रिजल्ट आपका कब आएगा। नोटिफिकेशन के नीचे जाना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आप नीचे आएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहां पर साफ साफ बताया गया है कि यहां पर जो है अप्रोक्स डेट आ चुकी है 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट जो है जारी हो सकता है। तो 15 नवंबर को जो है पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से जो है जीडीएस का रिजल्ट जारी किया जा रहा है, तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, जल्द ही रिजल्ट जारी होने वाला है। हो सकता है पहले भी आ सकता है, हो सकता है और थोड़ा लेट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितनी एप्लीकेशन आई है, प्रोसेस क्या रहा हो, ये कुछ बातें ऐसी जिन पे डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कब जारी किया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी के सवालों के जवाब दे चुके हैं, अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें काफी सारे जो भी आपके सवाल होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके अपना सिटी का और अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।